जो रंग बरस रहे हो या ब्रज में, वो रंग तीन लोक में नए। ऐसा ही रंग बरसा है आज कान्हा की नगरी मथुरा में, जहां आजकल आस्था के साथ साथ फागुन की मस्ती की बयार देखने को भी मिल रही है। शनिवार को वृंदावन में चल रहे वैष्णव कुंभ में रसिया बाबा नगर में श्री श्रीनाथ फाग महोत्सव में भक्तों ने भगवान कृष्ण के साथ यमुना महारानी व कृष्ण की चौथी पटरानी की गोद में होली का आनंद लिया। श्री कृष्ण जी के सेवित गोस्वामियों ने सबसे पहले भगवान पर गुलाल लगाया और जब गुलाल रूपी प्रसादी भक्तों पर उड़ाई तो नज़ारा कुछ ऐसा था कि जो भी इन्हें देखने आया आनंद लिए बिना रह न सका। अमित है, हम पंजाब से आए हैं। अमित जी आज होली खेले भगवान के साथ में? आज भगवान के साथ होली खेले, बहुत आनंद आया। और आज यमुना जी पे पहली बार होली खेली है और ऐसे लग रहा है साक्षात परमात्मा यहाँ पर हाजिर नाजर है और बहुत ही आनंद आया। खाटू श्याम की महिमा को अपने वर्णों में संवारने वाले प्रख्यात भजन गायक नंदू महाराज ने होली को अपने स्वरों में वर्णित किया और इस आनंद को अद्भुत बताया। उधर यमुना जल में भगवान के साथ होली का कई घंटों तक आनंद लेने वाली गोपिकाओं ने इस होली को अपने जीवन की सबसे अच्छी होली बताया है। नौका विहार के साथ होली की महिमा का वर्णन श्रीनाथ भगवान के सेवायत गोस्वामी ने बताया कि होली को खेलने से पहले इस तरह की लीलाओं से होली के दिन का आनंद और बढ़ता है और भगवान की होली से हमारा जीवन रंगमय होता है। आज दिव्य कुंभ अमृत महोत्सव के अंतर्गत शरणागति परिवार के द्वारा जो वृंदावन कुंभ में भगवान श्री श्रीनाथ जी की गोवर्धन नाथ की नौका विहार और होली उत्सव का जो आयोजन रखा गया वो आयोजन बहुत ही दिव्य और आनंदमय हुआ। सभी भक्तों ने खूब आनंद लिया, ऐसा लग रहा था मानो साक्षात गोलोक वैकुंठ सारे दिव्य लोक यहीं उपस्थित हो गए हैं और सभी लोग उसी प्रकार से आनंद में झूमते हुए होली के रस में सराबोर थे। और ठाकुर जी से हम यही कामना यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही उनकी भक्ति में सब सराबोर रहें, डूबे रहें। और एक प्रार्थना उसके साथ साथ ये भी करते हैं कि इस समय जो वैश्विक बीमारी कोरोना का कहर चल रहा है, हमारे श्री गोवर्धन नाथ जैसे अब तक हमारे ब्रज को बचाया है, पूरे ब्रज 84 को उसमें उसका कोई इतना विशेष प्रभाव नहीं है। और भगवान से ही प्रार्थना है कि पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से जल्दी दूर हो जाए और भगवान पहले की तरीके से जैसे सारा विश्व आनंद में था, सुखी था, ऐसे हो जाए। आज आपने कैसे होली खेली भक्तों के साथ? आज ठाकुर जी के खूब रंग गुलाल
और पिचकारियों से यहाँ ब्रज की जो होली का भाव है दिव्यतम, उस भाव को लेकर के ही होली खेली गई। ठाकुर जी नौका में से खेल रहे थे और भक्त ठाकुर जी से घाट पे बैठ करके होली खेल रहे थे, परस्पर में एक दूसरे को गुलाल उड़ा रहे थे, रंग चला रहे थे। यही भाव है कि भगवान हमको चाहते हैं और हम भगवान को चाहते हैं, इसी प्रेम के भाव का ही नाम होली है। कैसा आनंद यहाँ देखने को, आनंद की तो आप परिभाषा इस समय नहीं कर सकते और ना उसकी व्याख्या कर सकते। वो आनंद का समुद्र हमारे हृदय में इतना हिलोर ले रहा है कि उसको बयान करने के लिए, उसको कहने के लिए शब्द बहुत कम हो गए हैं। उसका तो मूकवत आनंद हम ले रहे हैं, ऐसा दिव्य आनंद। पहले शायद कभी इस प्रकार का उत्सव, इस प्रकार की होली यमुना जी के तट पर नहीं हुई। यह दिव्य होली श्री श्रीनाथ जी ने कराई है और ठाकुर जी से प्रार्थना के ऐसे उत्सव वो ब्रज में हमारे यमुना तट पर प्रतिवर्ष या जैसे उनकी इच्छा हो करते और कराते रहें। मथुरा वृंदावन के इस मजेदार होली का लुत्फ उठाते रहने के लिए बने रहिए हमारे न्यूज चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए DDS न्यूज को और शेयर कीजिए इन वीडियो को उन लोगों के साथ जिनके साथ आप मथुरा वृंदावन विजिट करना चाहते हैं होली के लिए।